सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनादर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, आप तो इनके नौटंकी से वाकिफ ही होंगे, कितनी नौटंकी बाज है। जी हाँ, इनका अभी देखे होंगे आप लोग, ब्लॉग आना बंद हो चुका है। और इसके पहले चलिए बात बता देते हैं, मैं किसके बारे में बात करती हूँ, दीपू के बारे में भाई बात करने वाली हूँ, जो दीपिका कक्कड़ से दीपिका इब्राहिम बन गई। तो मैं इनकी बात करने वाली हूँ। इनका जब तक झलक का एपिसोड चालू नहीं हुआ था, जब तक बस शूटिंग वो चालू था उनका, कि भाई अभी शोएब का झलक दिखला जा, मैं आने वाले ब्लॉग पे ब्लॉग, दिवाली ब्लॉग, वोटिंग के लिए अप्लाई किया जा रहा था कि वोटिंग करिएगा, उसके बाद गुजिया बनाने का ब्लॉग, तो इनका खूब ब्लॉग आ रहा था। इस टाइम ब्लॉग बंद हो गया। हाँ, इनका झलक दिखला जा का शोएब का दूसरा जो था आउट हो गया था, वायरल हो गया था, तो मैडम बहुत खुश हुई थी। और ये मैडम का आदत इतना गंदा है ना, वो शोएब की बीबी का माँ बनना ज़्यादा पसंद करती हैं। और ये औरतों का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बीबी हो बीबी की तरह रहो, काहे वो माँ बनने का बाबा। तो ये क्या कि शोएब को गुजिया बना के स्टेज पे लेके वहाँ गई थी भाई, जहाँ उनका हो रहा था झलक दिखला जा का परफॉर्मेंस था। अब झलक वो बेचारा बोल भी रहा है कैमरे में कि मैंने आधा ही गुजिया खाया, इतना उस बेचारे को टाइम नहीं था, मगर ये मुंह मीठा कराने के लिए चली गई थी। इनको इतना नहीं समझता कि तब भाई मुंह मीठा कराएंगी, बच्चे का पेपर है, बच्चे का बच्चा स्ट्रेस में है, वैसे ही बच्चा परेशान है कि उसको करना है, उसी में बच्चे को घी खिलाओगी, शक्कर खिलाओगी, रसगुल्ला खिलाओगी या गुजिया ही मान लो खिलाओगी, तो बच्चा फेल तो होएगा ही। तो ये शोएब जाते जाते उसके मुंह में गुजिया भर दी, तो भाई वो गुजिया का स्वाद लेने लगा। अब परफॉर्मेंस में कैसे उसका ध्यान रहेगा ढंग से, तो बेचारे का परफॉर्मेंस जो था एकदम सत्यानाश हो गया। और तो चलो ठीक है, बच्चे को तो लेके गई थी, लेकिन बच्चे को स्टेज पे नहीं लेके गई। अगर ये बच्चे को स्टेज पे ले जाती तो जो शोएब पे कौन ध्यान देता, सब तो बच्चे पे रूहान पे ध्यान देते, ये बच्चे को स्टेज पे नहीं लेके गई। और सब पूछे भाई क्यों नहीं लेके, तो उसके कान में शोर जाता ना, कान में शोर जाता तो उसको दिक्कत हुआ। अच्छा ये बताइए मैडम जी, जब शोएब का सॉन्ग का, हाँ सॉन्ग का जब चालू था प्रैक्टिस, तब तो आप लेके जाती थी, तब तो आप नहीं बोलती थी कि कान में शोर जाएगा, शराबा जाएगा। जब शूटिंग चालू था तब ये मैडम लेके जाती थी और बैठ के, तब शोर नहीं गया। और जब स्टेज पे लेके बारी आई तो बोल रही है कान में शोर जाता है। तो फिर सब तो छोड़ो, और स्टेज पे मैडम जा के वो फूट फूट के रो रही थी, वो फूट फूट के रो रही थी, जैसे शोएब 2-4 साल पे मिले हैं। ऐसा लग रहा था कि शोएब भाई आसमान से आए हैं, इतना रो रही हैं, इतना नौटंकी भर भर के। अच्छा आप लोग को याद होगा ना कि इंडियन आइडल में एक औरत थी बड़ी फेमस हुई, वो अपना एक छोटी बच्ची 6 महीने का लेके आती थी और एक 2 की 3 साल की लड़की थी, वो भी स्टेज पे परफॉर्म करती थी। कभी कभी जजेस जो रहते थे वो उसकी बच्ची को लेते थे, उसके हस्बैंड बच्ची को संभालते थे दोनों, और वो कंपटीशन में भाग ली थी तो अपना परफॉर्मेंस देती थी। तो वो लेडी सोचो अपने बच्ची के साथ अपना बैठ के वो अपना करती थी, पति संभालता था, तो क्या उस बच्ची के कान में आवाज़ नहीं जाता था? ये मैडम बस वोटिंग के लिए ब्लॉग पे ब्लॉग डालती थी। ये मैडम के नौटंकी से तो सब वाकिफ, इनके अंदर कूट कूट के नौटंकी भरा है। अरे यार काहे का इतना नौटंकी करती हो, शोएब को थोड़ा खुल के जीने दो, मतलब पीछे पीछे लगी रहती हो, शोएब 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 शोएब, अरे बेचारे को सांस लेने दिया करो यार। तो चलिए मैडम के वजह से तो हो गया है सब सत्यानाश, ब्लॉग तो आने से रहा नहीं। अब ब्लॉग आएगा भी तो थोड़ा वो सोचेंगी समझेंगी कौन सा मैं खिचड़ी बनाऊँ तब ब्लॉग में डालूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।